बैक टू जागो लाहौर जनाब, अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ, फिर टॉपिक भी बताऊंगी। हमारे साथ मौजूद होंगी उज़्मा सदाकत और आमिना मलिक, दोनों को वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप दोनों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। आप हमेशा कहती हैं मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। अच्छा जनाब, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हम चाहते हैं कि हर काम जो है वो जल्दबाजी से हम कर लें, बस हमने मुंह से बात निकाली और वो पूरी हो जाए। जो अनबर्दाश्त है, क्यों है इतना ज्यादा? साइकोलॉजिकली और सोशली इसका क्या, इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उज़्मा आपसे आगाज करूंगी। अब हम जब कहते हैं पेशेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त की एक कैफियत है, क्या वजह है? एक्चुअली लाइफ बड़ी फास्ट पेस्ड हो गई है। हमारे पास पहले महीनों के अंदर कोई एक खत जो था वो अमरीका से पाकिस्तान तक पहुंचता था, अब सेकेंड्स के अंदर ईमेल जो है वो पहुंच जाती है। सेकेंड्स के अंदर मैसेजेस जो हैं वो पहुंच जाते हैं। सो डिजिटल वर्ल्ड ने हमारी जिंदगी को काफ़ी तेज़ रफ्तार बना दिया है, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तेज़ रफ्तार बना दिया है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हर काम बहुत जल्दी में हमें करने की ज़रूरत है। बट जो बेसब्रापन हमारे अंदर है, ये बेसिकली एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का, कि जब भी हमें लगता है कि हमने कोई गोल बनाया है, उसे अचीव करने में कोई दुश्वारी आ रही है, तो हमारा जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करेगा, एक केमिकल को रिलीज करेगा जिसको हम एड्रेनलिन कहते हैं, जो कहते हैं फौरन कोई काम कर दो, या लड़ लो, या मर लो, या भाग जाओ, कुछ ना कुछ जल्दबाजी के अंदर करो। सो ये बुनियादी वजह है कि हमें उस स्ट्रेस रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और फिर उसे मैनेज करने की जरूरत है। अदम बर्दाश्त से हम बात करते हैं, जल्दबाजी, हर काम बस ऐसे ऐसे मुंह से निकाली बात पूरी हो जाए, नहीं हुई तो बस फिर किसी का सर ही फाड़ दो। देखिए, जब हम पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज ही बना दिया है हमने, और जब हमने हर चीज़ को एक्सेस में ले आए हैं, वही जो ये कह रही हैं वो भी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ पे शुक्र ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ सब्र भी ख़त्म हो जाता है। हम जो भी जॉब करें वो थैंकलेस जॉब है। एक औरत जो है वो अप्रिशिएट नहीं की जा रही, फैमिली में आपकी जो आदमी है वो कहते हैं हमें अप्रिशिएट नहीं किए जाते, तो हमें हर चीज़ में ना अप्रिशिएट हम समझ चाहते हैं कि हम जो भी काम करें ना उसका फटाफट से ना हमें रिवॉर्ड ये मिले, हमें कहे वाह वाह बहुत अच्छा, क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल कर दिए। देखिए, जहाँ पे हम अपनी नेमतों का या बहुत सी चीज़ें हमारे पास, हम उसका शुक्र ही नहीं कर रहे, या हम तो फिर वहाँ पर जो है वो बर्दाश्त। अच्छा, बर्दाश्त का मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं आजकल एक बच्चों में देख रही हूँ कि एलिमेंट्स आ रहे हैं थोड़े से, बच्चे ये जो गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं ना, ये जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर जो गेम्स हैं वो ऐसी अजीबोगरीब गेम्स हैं, हाँ। कि उनको अगर आप खाने के लिए बुला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, बार बार, तो कह रहे बस वन मिनट, एडिक्शन है, तो एडिक्शन है बहुत ज़्यादा। तो माशरे में बर्दाश्त जो है ना वो तब भी ख़त्म हो जाती है जब हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम, देखिए बर्दाश्त क्या होती है, आपने एक ऐसी नागवार बात बोली जो मुझे पसंद ना आए तो मैं उस पर ज़रा बर्दाश्त करूं, आपने कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं उस पर बर्दाश्त करूं। लेकिन जब हमारे रवैये सोसाइटी को देख के, माशरे को देख के, इसकी आप देख लीजिए कि शुक्र तो बिल्कुल ही ख़त्म है, तो हमने एक दूसरे के रवैयों को इतना कबूल किया है कि हम ये समझते हैं कि शायद हम किसी को थैंक यू बोलना, ये मैं बार बार आपको ये जुमला इसलिए बोल रही हूँ कि ये परवरिश की ये चीज़ें होती हैं कि आपके साथ कोई अच्छा करता है आप उसको थैंक यू बोलते हैं, जहां आप किसी को थैंक यू बोलते हैं उसके बाद फिर चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली सेटल होती हैं, और जहां चीज़ें सेटल नहीं होंगी, जहां आपके रवैये माशरती तौर पे अच्छे नहीं होंगे, वहां तो अतम बर्दाश्त आएगा। दूसरा है कि अभी ये बच्चों के खिलौनों पर पाबंदियाँ लगी हैं, उसमें एक वेपन्स, मैं इस बात को इस प्लेटफॉर्म से उठाना चाहती हूँ कि वेपन्स के ऊपर बहुत सी जगहों पर जो है वो पाबंदी, कि बच्चों को ऐसे खिलौने ना दिए जाएँ या ऐसे टॉयज ना दिए जाएँ कि जिससे बच्चे ये है ना इंतशार उनके अंदर आ जाए और उनके अंदर अग्रेसिवनेस आ जाए, उनके अंदर गुस्सा आ जाए। लेकिन हम बहुत अग्रेसिव लोग हैं, सोसाइटी को देख लीजिए, हम एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं, गो कि मैं अपने ही इसी प्रोग्राम में एक दो दफ़ा कह चुकी हूँ कि शायद हम नेचर की तरफ वापस जाएँ, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमने गैजेट्स की दुनिया में आने के लिए बहुत जो है वो टाइम लगाया, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी बड़ा टाइम चाहिए। और अदम बर्दाश्त तो सोसाइटी में ऐसा है, फिर देखिए ना हमारे माशरे में ये जो पिछले दिनों होता रहा है, बम ब्लास्ट होते रहे हैं, फिर अच्छा मैंने देखा है खवातीन में बड़ी माजरत के साथ, वैसे बात मैं कर जाती, बाद में माजरत भी कर लेती, पता नहीं देती भी है मुझे कि नहीं देती, यकीन जाने बदले की आग औरत की दुश्मन है, प्री प्लान्ड होके जाती हैं। आप यकीन करें, मेरे पास लास्ट वीक एक केस आया, वो तो कहती हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3-4 क्लासेस ग्रूमिंग की दे दे, मेरी सास ऐसी है, मेरी नंद ऐसी है, मैंने तो नहीं बर्दाश्त करना।
मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें जहेज में क्लैशनकोफ देते हैं, तुम्हें जहेज में मैंने कहा कोई टोटके देते हैं, तुम जाओ, तुम जाके ना उनका तिया पांचा। ये माओ का फर्ज है कि आप उनको मोहब्बत से समझाएं। देखिए ये पांच उंगलियां बराबर नहीं है, ब्रेन्स कैसे हो सकते हैं? मोहब्बत से चीजों को है मोहब्बत से। और मैं आपको बताऊं ये इतनी बड़ी कुंजी है बर्दाश्त। आप दुनिया की हर चीज इससे जीत सकते हैं, इसके अलावा आप किसी चीज से नहीं जीत सकते। अच्छा उज्मा, आपके जाने पे आएंगे, जिससे अभी आमने ने कहा बच्चों के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा, तो बड़े होकर तो डेफिनेटली, और हमारी जिस तरह से जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है, चीजें बदल रही हैं, कुछ हमारी तवज्जो परवरिश नहीं, हम एजुकेशन अच्छी पे लगा देते हैं, जो बेसिक मॉरल वैल्यूज हैं या बर्दाश्त है पेरेंट्स में खुद नहीं है, बच्चों में कहाँ से आएगा? देखिए ये ब्रेन को ट्रेन करने वाली बात है, और बच्चे जो हैं ये हमेशा अपने पेरेंट्स को मॉडल करते हैं, पेरेंट्स को जैसा करते देखते हैं वैसा ही करना, उन्हें कॉपी करके तो वैसा करना बिहेवियर शुरू कर देते हैं। अगर किसी पेरेंट के अंदर बर्दाश्त नहीं है तो डेफिनेटली वो चीखेगा, चिल्लाएगा, अन्याय होगा, यही बिहेवियर्स बच्चे भी लर्न करेंगे और बच्चे समझेंगे कि ऐसा करना ठीक है, क्योंकि मेरे अगर फादर कर रहे हैं या मेरी अगर मदर कर रही हैं तो इसका मतलब है कि मैं भी कर सकता हूँ। पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत मुकद्दस हस्तियां होती हैं, टीचर्स बहुत मुकद्दस हस्तियां होती हैं, वो जैसा उन्हें करता देखेंगे वैसा ही अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मैं एक चीज को मानती हूँ कि 18 साल की एज तक तो चले हमने सीख लिया पेरेंट्स से, सोसाइटी से, बट आफ्टर दैट हमें अपनी जिम्मेदारी जरूर उठानी चाहिए कि हमारे अंदर जो रवैये हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, अगर पॉजिटिव हैं तो हमें क्रेडिट लेना चाहिए, अगर नेगेटिव हैं तो हमें चेंज करने के लिए खुद कोई एफर्ट करनी चाहिए। और जहां तक सब्र की बात है या बेसब्रापन है, तो ये आपके ब्रेन को ट्रेन करने की जरूरत है। हमारा ब्रेन दो तरह से काम करता है, एक तरह के वो लोग होते हैं जो कि अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को या अपने थिंकिंग ब्रेन को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये वो लोग हैं जो हर चीज को पेशेंटली करेंगे, अगर किसी चीज में डिले आ रहा है तो उसको सबर का मुजाहरा करेंगे। और सबर से मुराद ये नहीं कि आप बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के इंतजार करें, सबर से मुराद है कि आप अपना बेस्ट एफर्ट करें, लेकिन जो फिर इंक्यूबेशन पीरियड है फिर आप उसका इंतजार करें और उसके बाद नताए जाएंगे। इंक्यूबेशन पीरियड आप यूं ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम में तैयारी करता है, सारा साल पढ़ता है, एग्जाम पास करता है, और उसके बाद वो फिर नतीजे का बैठ के इंतजार करता है 2-3 महीने सबर के साथ के हाँ अभी जो भी नतीजा निकलेगा दैट इज अप टू माय टीचर्स। इसी तरह जिंदगी के अंदर भी हम अपनी बेस्ट एफर्ट करते हैं किसी भी चीज को अचीव करने की, किसी भी काम को मुकम्मल करने की। तरबियत, तवक्कुआत, ये दोनों चीजें जो हैं आजकल हम लोगों के अंदर ट्रांसफर नहीं हो रही। हमें ये नहीं बताया जाता कि आपने अपनी तवक्कुआत के मुताबिक हर चीज एक्सपेक्ट नहीं करनी, आपको दूसरे का भी ख्याल करना है। दूसरे के बारे में ख्याल रखना नहीं सिखाया जाता, सेल्फिशनेस हमें हमेशा से सिखाई जाती है, कुछ हमारे अंदर ऑलरेडी इंडक्टेड होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ तरबियत, घरों में ये नहीं दिया जाता, एजुकेट नहीं किया जाता बच्चों को। उन्हें अगर कोई बच्चा स्कूल से आके ये कहता है कि मुझे फलाने ने मारा, तो आगे से माँ कहती है तुम भी दो लगा देते। आपको पता है कि हमारी जानने वाली कुछ रिलेटिव हैं और उनकी ना पोती जो है वो मेरे लॉज में है, वो खातून, और उनकी पोती जो है ना वो रोती हुई घर आई, तो मैं बैठी हुई थी, तो हम आउट ऑफ टाउन थे, तो मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हुई ये बात सुन के कि उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या हुआ, उसने कहा मुझे टीचर ने मारा, उसने कहा तुम भी दो थप्पड़ मार देती। तो मैं आपको बताऊं कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं सोसाइटी के अंदर जो शर्मिंदा कर देती हैं हमें। और जहाँ तक ये बेसब्रेपन का सवाल है ना, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि हम अननेचुरल लाइफ गुजार रहे हैं, अब हम नेचुरल लाइफ नहीं गुजार रहे। और ये बहुत अच्छी बात बोली है, पहले चीज़ों को आप सब्र से सीखते हैं। इस तरह मैं नहीं समझती कोई काम भी आपको घंटों और मिनटों में आ जाता है। कहते हैं जी गैजेट है, ये देखें इस पर, ये भी सीख लें, खवातीन भी सीख लें। अब तो हमने जिंदगी को कोर्सेज बना दिया है, 7 डेज कोर्सेज, 15 डेज कोर्सेज में। कहती हूँ स्किल्स भी कभी 15 दिन में, 20 दिन में आती हैं, महारतों में तो इंसान को टाइम लगता है 20 से 25 साल लगते हैं। वो कहते हैं जी कि एक अच्छा कैमरामैन जब खड़ा होता है, कहते हैं जी मैं 20 साल जो है वो मैंने काम किया है, तो उसके बाद मुझे पता है कि अब मैं ट्रेन कर सकता हूँ। यहाँ पर तो आप छोटे छोटे कोर्सेज में डिवाइड कर दें, और लाइफ भी इसी तरह अननेचुरल जा रही है, आपको कोई भी चीज़ नेचुरल नहीं मिल रही। फैमिली में अगर डांट दिया है माँ ने, देखे हमने कितना अच्छा प्रोग्राम किया था जॉइंट फैमिली सिस्टम पे और दूसरे पे, कि वहाँ पर भी ये चीज़ें होती थी कि माँ को डर होता था कि मेरा बच्चा बदतमीजी करेगा तो वो देखेगी मुझे, और वो मुझे कहेगी तुमने बच्चे की तरबियत कैसे की। जब आप रहे अकेले रहे हैं, आपके बच्चे को रोकने वाला कोई नहीं है, वो मेड के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रहा है, हमारी सोसाइटी और हम बड़ी माजरत के साथ ऐसी जगह पे और इस तरह मूव कर रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता हम शुत्र बेमहार की तरह कहाँ चले जा रहे हैं। सब्र तो ये होता है,
صبر تو ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے, کوئی غم ہو کوئی تکلیف ہو آپ نے کس طرح ساتھ دینا ہے. صبر ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں, ذہنی یا جسمانی, آپ اس کو کس طرح اپنی بیماری کو کاٹتے ہیں. ہم میں بھی سوسائٹی کے اندر جو ہماری بری آتے ہیں وہ بھی بیماریاں ہیں, ہم نے ان بیماریوں سے بھی بچنا ہے اور ہم نے اس کے لیے بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. صبر یہ کہ ہمارے ہاں تو صبر کا یہ عالم ہے کہ ہم کیوں میں نہیں کھڑے ہو سکتے, بالکل نہیں. ہمیں ہوتا پہلے ہم چلے جائیں باقی بعد میں. اور آپ یقین کریں کہ وہاں پر میں دیکھا اسکول کالج کی, اگر وہ کوشش بھی کریں گے لائن میں ہو لائن میں ہو, تو وہ کوشش کر رہے تھے پلیز ذرا مجھے بہت جلدی آپ ذرا پیچھے, ریکویسٹ ہو رہی ہوتی ہے. اسکول کالجز تو بہت دور کی بات ہے, میں نے اکثر دیکھا پلین میں جیسے ہی پلین رکتا ہے ابھی وہ ٹیکسی کر رہا ہوتا ہے تو لوگ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ بچارے پتا ہے کہ گیٹ جو ہے وہ 15 منٹس کے بعد کھلنا ہے, لیکن لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کیسے باہر نکلیں گے, اور کوئی رستہ بھی نہیں ہے پیچھے والوں کے لیے. پھر بھی وہ اس امید پہ کھڑے ہیں کہ شاید کوئی ایسا جادو ہو جائے کہ ہمیں ونڈو کھل جائے اور ہمیں اسے سلام لے سے چھلانگ لگا دیں, اور 8 گھنٹے کے 18 گھنٹے کی 14 آورز کی فلائٹ لے لیں گے, ایک 15 منٹ کا ویٹ انتظار نہیں کریں گے. صبر صبر صبر, یقین جانیے ہم اتنے رش میں ہیں کہ ہم کہیں بھی جائیں جی میرے پاس 15 منٹ ہیں 20 منٹ ہیں, ہر بندے کے منہ کے اندر ہے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے بالکل. اور ٹائم ہونا کا ہے, وہ تو پھر ٹائم جو ہے وہ گھر جا کے ظاہری بات ہے موبائل کھولنا ہے, واٹس ایپ کھولنا ہے, گروپس بنے ہوئے ہیں, اچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا, وہ بہت برا کیا تمہاری فلاں خاتون نے تمہارے ساتھ. تو ہمیں صبر ہم جب تک اپنے اندر نہیں لائیں گے ہم ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے نہیں بچیں گے. دیکھیں معاشرہ خوبصورت کس طرح بنتا ہے, سوسائٹی خوبصورت کس طرح بنتی ہے. آپ جیسی ہیں آپ کو میں قبول کروں, میں جیسی ہوں مجھے آپ قبول کریں, یہ برداشت کا مظاہرہ ہے. میں اگر کہوں کہ آپ بھی میرے اکارڈنگ چلیں یا میں آپ کے اکارڈنگ چلوں, اس طرح بھی ہوتا ہے اور یہ بھی صبر ہوتا ہے. اور دیکھیں کتنا اچھا جملہ ساری جو ہے خواتین ان میں بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری پیاری خواتین بھی ہیں جو میری دوست ہیں ساری, میں سے دوسروں کے پیچھے آنا پڑ جائے مجھے اگلی دفعہ کہے ہیں یہ کہتی ہے ایسے ایسے ایسے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی بھی ماشاء اللہ ہماری کو جاننے والی اچھی فرینڈس ہیں جو بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہیں کوئی بات نہیں ہے ہم سب ہیں نا ہم مینج کر لیں گے کوئی بات نہیں, ان کی عادت ایسی ہے. آپ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ باتوں میں سمجھائیں گے تو اس کو فیل ہوگا کہ اچھا مجھے نہیں کرنا چاہیے. اب بچوں میں برداشت کہاں سے آئے گی جب ماں باپ میں نہیں ہے. ماں باپ ایگزامپل سیٹ کریں, مائیں یقین جانے آئی فون آنکھ کے سامنے کھول کے وہ پوری رات بیٹھی رہتی ہیں کہ اچھا یہ ہے, 2:30 3:30 بجے تو سونے کی عادتیں ہیں, اور بچے جو ہیں وہ جس قسم کا جنک فوڈ کھا رہے ہیں جس طرح کی سوسائٹی ان کو لے کے جا رہی ہے تو پھر بہتر. اچھا جناب ہمارے ساتھ کالر فوزیہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں بات کرنا چاہ رہی تھی, میری بیٹی ہے جو وہ ہر چیز کو فیل کرتی ہے, مطلب اسے پہنا ہوا ہے وہ پہنا ہوا ہے, میں نے یہ چیز لینی ہے وہ چیز لینی ہے, تو اس طرح سے بڑا محسوس کرتی ہے. میری بیٹی کی 14 سال ہے, کچھ نہ میرے میاں ہسبینڈ بہت تنگ ہیں, مطلب میرے ہسبینڈ جو ہے نا بڑے مطلب برقعہ پہننا ہے فلانا کرنا ہے, اچھی بات ہے کرنا کرانا, لیکن ضرورت سے زیادہ سختی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے فوزیہ, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ابھی ہم آپ کا جات اسنا سختی کرتے, اچھا ہاں کہتی ہیں وہ بات وہ تھوڑے ریلیجس ہیں اس معاملے میں کہ برقع پہنے سارا اسٹرکٹ. اچھا سوشل میڈیا نے لائف کو کافی گلیمرس سا بنا دیا ہوا ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ اپنی تصویریں فیس بک پہ ڈالنا چاہتے ہیں انسٹاگرام پہ ڈالنا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں زیادہ کپڑوں کی ضرورت ہے. وہ بالکل کپڑے جو ہیں ان کا خیال ہے کہ ایک جوڑا جو ہے وہ ایک تصویر کے لیے ٹھیک ہے, دوسری تصویر میں وہ نظر نہیں آنا چاہیے. اس کے علاوہ جب ہم اپنے اسکول کالجز میں جاتے ہیں لوگوں کو اچھی گاڑی میں آتا دیکھتے ہیں, لوگوں کے پاس ڈفرینٹ لگژری آئٹمس دیکھتے ہیں, تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم ویسے کرنے کی طرف جائیں. ایک چیز اپنے بچوں کو شروع سے ہی آپ سمجھانا شروع کریں, زیادہ تر پیرنٹس کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی فائنینشیل حیثیت جو بھی ہے وہ اس سے کچھ بڑھا چڑھا کر اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں, اور وہ انہیں سکھاتے ہیں کہ آپ کے لیے کرنا ایسا بالکل ٹھیک ہے. کبھی بھی وہ اپنے فائنینشیل اسٹیٹس کا ذکر اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتے کہ انہیں کوئی احساس محرومی نہ ہو جائے, جبکہ اگر آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بیٹا ہمارے یہ فائنینشیل اسٹیٹس ہے اتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اس کے اندر یہ بجٹ ہے جو ہم آپ کے لیے الاؤ کریں گے, اسے ہم زیادہ ایکسیڈ نہیں کر سکتے, یہ چیز بہت چھوٹی ایج میں اگر آپ انہیں بتانا شروع کر دیں تو پھر بچے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں میں ایک چیز بہت چھوٹی ایج سے ہی پیرنٹس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز آپ کے کپڑے نہیں ہوتے, اصل چیز آپ کا سبسٹینس ہے کہ آپ اندرونی طور پر آپ کی اخلاقیات کیسی ہیں, آپ لوگوں کے بارے میں کتنا اچھا سوچتے ہیں, ویلیوز آپ کی کیا ہیں, جو کہ اچھی ویلیوز اگر ہیں تو لوگ آپ کو سراہیں گے چاہے آپ کسی بھی محفل کے اندر ہوں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے بہت زبردست کپڑے پہنے ہوں, آپ بہت اچھے لگژری آئٹم کے ساتھ ہیں تو آپ کی وہاں پہ عزت احترام زیادہ ہوگا.
हमारी सोसाइटी में भी हमें बड़ों को भी ये सोचना चाहिए कि हमने लोगों के लिए स्टैंडर्ड्स जो है वो काफी मुश्किल बना दिए हैं। हम लोगों को उनकी फेस वैल्यू से परखने लगे हैं, हम उनके अखलाकियात उनके वैल्यू सिस्टम को नहीं देखते, लेकिन हमें लगता है कि अगर कोई अच्छा वेल ऑफ बंदा है तो इसका मतलब है उसका एहतराम ज्यादा करना चाहिए, अगर कोई वेल ऑफ उतना नहीं है लेकिन अच्छी बातचीत करने वाला है, अच्छी वैल्यूज रखता है, अच्छी अहलाकियात का मुजाहरा करता है तो हम उसे इतना एडवांटेज नहीं देते। तो हमें ये भी जो भेदभाव हम करते हैं लोगों के अंदर वो भी हमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच उज्मा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आमना, आपका भी कि आप दोनों हमारे साथ मौजूद रही। जनाब आज का टॉपिक हमारा था कि अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हमारी सोसाइटी में, हमें हर काम जल्दबाजी में कर रहे हैं और हम उसके रिजल्ट्स भी हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें जल्दी से मिल जाए, लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने बच्चों में, इवन हम सब इस चीज़ का शिकार है, हम इस चीज़ से बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि जनाब हम नहीं है, हर बंदा शिकार है, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर चेंज लाने की हमें खुद भी ज़रूरत है और इसका हमें अपने अब बच्चों को भी आगे से बताने और हमारे वालिदैन को भी हमें ये चीज़ समझानी पड़ेगी। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, लाहौर में एक इवेंट होने जा रहा है उसके हवाले से हमें मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं, आप देखते रहिए जागो लाहौर।